ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और बात करते हैं भोपाल की, जहां पे चुनाव से पहले कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 42% मिलेगा महंगाई भत्ता। जनवरी से जून के डीए का एरियर 3 किस्तों में मिलेगा और जुलाई के वेतन में जुड़कर मिलेगा 42% महंगाई भत्ता। 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, चुनावी साल में ये बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार सदैव से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में भी हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर हम 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमने 2014 में ये फैसला भी किया था कि हम अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान भी देंगे जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अब हमने ये फैसला भी किया है कि हम अपने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान भी देंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हो, उन सबको चतुर्थ समयमान वेतन। भोपाल और इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं, राकेश चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। राकेश, इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को देकर एक बड़ी राहत। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी राहत है और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कर्मचारी और इसके साथ ही कर्मचारी नेता भी मौजूद हैं जो अपनी मांग को लेकर, डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, धरना और आंदोलन भी करते रहे हैं। ऐसे ही कर्मचारी नेता और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है और चलिए उन्हीं से प्रतिक्रिया जानते हैं कि जो राहत है कितनी बड़ी राहत है, क्या कहेंगे आप? अब केंद्र समान के कर्मचारी उनके समान आपका डीए बराबर हैं आप? देखिएगा, ये जो महंगाई भत्ता था जनवरी से ड्यू था और हम लोगों ने लगातार इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन प्रेषित किए थे और हमारी ये मांग थी कि ये हमको जनवरी से मिलना चाहिए। सरकार ने आज घोषणा करी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इसको जो है जुलाई पेड़ अगस्त दिया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसको जो है वो हमारा जो जनवरी से लेकर के जून तक का 6 महीने का एरियर्स था उसको भी 3 समान किस्तों में देने की बात कही है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ये लगभग जो है तीसरा चौथा टर्म से गवर्नमेंट्स के, जब उसके बाद में ये पहली बार ऐसा घोषित किया गया है कि महंगाई भत्ते को जो है वो विद एरियर्स के दिया जा रहा है। दो मुख्य बातें, एक तो यह है कि 2 साल में आपका डी है करीब करीब 17% बढ़ चुका है। जुलाई 2021 के पहले करीब 25% के आसपास आपका जो था डीए था, इसके साथ ही एरियर भी दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो कर्मचारियों में खुशी की बात है, लेकिन खुशी की बात क्या है कि अधिकार है कर्मचारियों का। अभी चुनावी वर्ष है, देखा जा रहा है कि कह रहे कि तोहफा मिला है, तोहफा नहीं है ये, हम कर्मचारियों का अधिकार है, हमें लेट मिला है। तो हम तो चाहते थे कि टाइम से मिले। अब चूंकि अगली किस्त ड्यू हो जाएगी जुलाई के बाद, केंद्र सरकार फिर डिक्लेयर कर देगी, तो हम फिर 6 महीने पीछे हो जाएंगे। लेकिन लगता है कि चुनाव वर्ष है तो कर्मचारियों को कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की राहत देने की कोशिश कर रही है सरकार। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यानी आगे डिमांड निकलकर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल अभी की बात करें, तुरंत की बात करें, तो जितना केंद्रीय कर्मचारियों का डी है उतना ही आपका है। जी, ये सही है। ये सब जो है प्रदेश के माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ है और आज तक जो है लगातार कर्मचारियों का डीए भले ही 1-2 महीने लेट मिलता रहा हो, लेकिन केंद्र के समान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है और देने का प्रयास किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा करता हूं कि समस्त कर्मचारियों को
हेमंत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, भोपाल से तो हम रिएक्शन ले रहे थे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, इंदौर में क्या कहना है? देखिए बिल्कुल दीपिका, इंदौर में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी मेरे साथ मौजूद है, कर्मचारी भी मौजूद है। 5 साल से एक मांग के लिए लगातार लड़ रहे थे कि चतुर्थ मान जो है वो लागू किया जाए। अब सर चतुर्थ वेतन मान जो है वो लागू कर दिया गया है, कितनी खुशी है। और चुनावी तोहफा इसको मानते हैं आप? वास्तव में चुनावी तोहफा है। कर्मचारी विगत लंबे समय से चतुर्थ वेतनमान की मांग कर रहे थे, क्योंकि कई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं, बगैर पदोन्नति के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और जो सेवानिवृत्ति के नज़दीक आते हैं वो हमेशा कर्मचारी बोलते थे भैया चतुर्थ वेतनमान मिल जाए तो चतुर्थ वेतनमान मिल जाए। और हम हमेशा मुख्यमंत्री को जब भी इंदौर आए उनको यह ज्ञापन दिया है कि चतुर्थ वेतनमान तो दे दिया जाए सर, डीए तो हमेशा मिल जाता है, बाकी डीए के साथ जो एरियर दिया है वो भी काफ़ी लंबे समय बाद दिया है, और जनवरी पेड़ जुलाई जो 3 किस्तों में दी गई है, हम मांग करते हैं कि उसको एक मुफ्त दे दिया जाए तो कर्मचारियों का जो राखी का त्यौहार है वो अच्छे से मन जाएगा। बिल्कुल, एक मुफ्त करने की मांग की जा रही है, 3 किस्तों में दे रहे हैं सरकार। यहाँ पर सर जो महंगाई भत्ता है उसे 48% से बढ़ाकर 42% कर दिया, मतलब अब केंद्र के समान आपको राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा, कितनी खुशी है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है देर आए दुरुस्त आए, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री तो देर आए दुरुस्त आए, और कुछ कर्मचारी चाह रहे हैं कि एक मुफ्त में मिल जाए। फिलहाल हेमंत और राकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।